नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौसम और आप शुरू कर चुके हैं पांच की आंच। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज सबसे पहले बात उस अपहरण की साजिश की जिसमें छात्रा खुद फंस गई। बात भोजशाला की भी करेंगे, कल से जहां ASI का सर्वे शुरू होने वाला है। और एक माँ ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद लावारिस हालत में छोड़ दिया। उधर बात करेंगे गांव की भी जो अजब और गजब है, कहानी इस गांव की जरा हटके है। और फाग उत्सव को लेकर गांव से शहर तक जो लगातार धूम है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पांच की आंच में अपहरण की साजिश की। तो शिवपुरी, कोटा, ये दो नाम आपने सुने छात्रा के अपहरण के मामले में। न्यूज 18 की टीम ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया है। ये किडनैपिंग नहीं बल्कि सोच समझकर बनाया गया प्लान निकला। जी हाँ, ये प्लान था। क्यों, कैसे ये प्लान बनाया गया, इसका खुलासा कैसे हुआ, ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे। आप जानना भी चाहते होंगे इन सवालों के जवाब, तो इस रिपोर्ट को देखिए। छात्रा के अपहरण का पर्दाफाश, किडनैपिंग की कहानी निकली झूठी, क्यों रची गई अपहरण की साजिश, सबसे पहले न्यूज 18 पर खुलासा। शिवपुरी की एक छात्रा के अपहरण की कहानी से पर्दा उठ गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस की पिछले तीन दिन से नींद और चैन गायब थी। मामला दो राज्यों का था, लेकिन अब जो सच सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। ये कोई अपहरण नहीं था बल्कि सोची समझी पूरी प्लानिंग थी, जिसका अब खुलासा हो चुका है। हम आपको परत दर परत इस अपहरण की कहानी का हर पहलू बताएंगे और बताएंगे कि कैसे इसका खुलासा हुआ और वो क्या कारण था कि एक लड़की ने रची इतनी बड़ी साजिश। छात्रा के हाथ पांव बंधे हुए फोटोज परिजनों को भेजे गए, उसके बाद एक फोन कॉल आया और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। शिवपुरी की छात्रा और कोटा में अपहरण, मामला सामने आया तो पुलिस एक्टिव हो गई। कोटा, जयपुर, बारां, शिवपुरी, इंदौर, तमाम जगह पुलिस ने दबिश दी। न्यूज 18 की टीम ने भी हर जगह दी दस्तक। सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। सबसे पहले कोटा से खुलासे की शुरुआत हुई। परिजनों का दावा था कि छात्रा कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। के जो कहां कहां जा सकती है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है, तो अभी तक तो यही सामने आया है कि ये कोटा में कहीं किसी कोचिंग की छात्रा नहीं थी, ना ही ये कोटा में कहीं किसी PG या हॉस्टल में रह रही थी। कोटा में ना तो छात्रा पढ़ाई कर रही थी, ना ही वहां रह ही रही थी, तो फिर कहां थी छात्रा और कैसे ये अपहरण की साजिश रची गई। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। राजस्थान की पुलिस इंदौर पहुंची। इंदौर में कई जगह दबिश दी गई, कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदौर पहुंची और यहां पर एक अमन नाम के शख्स की पहचान होती है। वो अमन वो है जो अभी तक जानकारी सामने आई कि उसी के रूम में उस फोटो को, उस वीडियो को बनाया गया था जो अपहरण के फोटो के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद उससे जब जानकारी सामने आती है, एक नाम आता है ब्रजेंद्र का। ब्रजेंद्र को पुलिस हिरासत में लेती है, कोटा पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस, उनसे पूछताछ की जाती है, फिर ब्रजेंद्र सारी जानकारी देता है। कोटा और इंदौर क्राइम ब्रांच ने मिलकर जांच शुरू की। उधर न्यूज 18 भी पुलिस के साथ साथ रही, जहां पुलिस वहां हम। कोटा पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस युवती का कोटा से अपहरण की बात की जा रही थी, उसका इंदौर कनेक्शन सामने आया है। ठीक पीछे एक मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, अगर तस्वीर में आपको नजर आएगा, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सिमरन गर्ल्स हॉस्टल लाइब्रेरी लिखा हुआ है, हालांकि अब ये पूरी तरीके से PG में तब्दील हो चुका है। यहां पर रहा करता था ब्रजेंद्र और ब्रजेंद्र था हर्षित का दोस्त। ब्रजेंद्र ने यहां पर जो लोग PG के केयर टेकर हैं उन्हें ये जानकारी दी थी कि उसके भाई और बहन गांव से आए हुए हैं और जिन्हें वो अपने साथ रोकना चाहता है। सिर्फ एक दिन के लिए उसने अपने साथ रोका था।
ये वही जगह है जहां अपहरण की साजिश रची गई। स्क्रिप्ट की शुरुआत यहीं से हुई। कैसे रची गई ये पूरी साजिश, संवाददाता मिथिलेश गुप्ता की पड़ताल से समझिए। वो यहीं पर रुके हुए थे और इसी कमरे में, ये जो सिमरन आप देख रहे हैं, यहीं पर पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। अपहरण की जो पूरी प्लानिंग है वो यहीं तैयार की गई थी। इसी के एक कमरे में रस्सी से हाथ पांव बांधा गया और काले कपड़े से उसको मुंह को पूरी तरीके से बांधा गया था। यहीं से कोटा पुलिस ने उस रस्सी को और उस कपड़े को बरामद किया और अपने साथ ब्रजेंद्र को लेके गई। कई बार वो ब्रजेंद्र को लेकर यहां पर आई, पूछताछ किया गया और यहां पे जो भी साक्ष्य मिले थे वो अपने साथ लेकर कोटा से ले गई है। ब्रजेंद्र हर्षित का दोस्त है और जो इस साजिश में शामिल था, ब्रजेंद्र ही हर्षित और काव्य को सिमरन हॉस्टल में लेकर आया था। परीक्षा के बहाने हर्षित और काव्या यहीं रुके। उस टाइम में 10:30 बजे एंट्री करके आए तो आधा घंटा वो खाने खाने में लग गया था, खाना खा रहे थे। 11 बजे हो गए उस टाइम। अच्छा, जब बोला था कि 11 बजे और आए कितने बजे थे? यहाँ 7:30 बजे। क्या क्या बोल कर आई थी यहाँ पर, कितने दिन के लिए रूम चाहिए, क्या? 2 दिन के लिए, एग्जाम के लिए। बोले भैया एग्जाम है, एग्जाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर काव्या ने क्यों अपने ही अपहरण की साजिश रची। इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी। कहा यह जा रहा है कि काव्या विदेश जाना चाहती थी, इसलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर काव्या ने ये साजिश रची। काव्या को पता था कि पिता ने कुछ दिन पहले ही एक जमीन बेची थी जिसके 54 लाख रुपए उन्हें मिले हैं। ऐसे में पिता से क्यों ना 30 लाख रुपए हथिया लिए जाए। बस फिर क्या था, दोस्त के साथ मिलकर अपहरण का प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान में वो खुद ही फंस गई। अपहरण की साजिश से पर्दा उठ गया। हालांकि काव्या और हर्षित अभी भी फरार हैं, दोनों की तलाश जारी है। तो अपहरण की जो कहानी कोटा से शुरू हुई थी उसका इंदौर कनेक्शन सामने आया। दो राज्य, दो मुख्यमंत्री, दो DGP और एक केंद्रीय मंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डगले साथ मिथिलेश गुप्ता, News18 इंदौर। और अब आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, जहां मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं का बीजेपी के साथ जुड़ने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें न्यू ज्वाइनिंग टीम का जिम्मा संभाला हुआ है बीजेपी में, लगातार कांग्रेस के और खासतौर पर छिंदवाड़ा से आज कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दीपक सक्सेना के बेटे, माफ कीजिए, अजय सक्सेना ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दीपक सक्सेना बेहद करीबी हैं, छिंदवाड़ा के विधायक भी रह चुके हैं और अपनी सीट उन्होंने कमलनाथ के लिए खाली कर ली थी, छोड़ दी थी, जब कमलनाथ को विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा था मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये आशीर्वाद जो ले रहे हैं अजय सक्सेना, सबसे भरोसेमंद, कमलनाथ के जो सिपाही सालार हैं उनमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद दीपक सक्सेना और उनके बेटे अजय सक्सेना। माना यह जा रहा है कि 27 के आसपास दीपक सक्सेना भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पत्र जो उन्होंने लिखा है उसमें संबोधन बहुत दिलचस्प है। उन्होंने लिखा है आदरणीय भैया, कमलनाथ के लिए संभवतः लिखा होगा, जीतू पटवारी के लिए संभवतः लिख सकते हैं, और इस तरह से वो अपना इस्तीफे का जो पूरा ग्राउंड है उन्होंने तैयार किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। BD शर्मा भी मंच पर है, तमाम जो दिग्गज हैं वो मंच पर मौजूद हैं। एक आंकड़ा आया है नरोत्तम मिश्रा की तरफ से, कह रहे हैं 16,000, अखबार कह रहे हैं 14,000 और जल्दी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात भी कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। और ज्ञानवापी की तर्ज पर होने वाला है भोजशाला के ASI सर्वे का काम। कल यानी शुक्रवार से सर्वे शुरू हो गए। संबंध में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया और बाकायदा धार जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है। पत्र में बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर वैज्ञानिक सर्वे को GPR GPS तरीके से किया जाएगा। इसको लेकर एक टीम धार आएगी, 5 सदस्यों की टीम को भोजशाला में पूरा
पूरी तात्विक जांच के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। सारी जिम्मेदारियां स्थानीय प्रशासन की रहेंगी। दरअसल भोजशाला को लेकर मंदिर और मस्जिद वाला विवाद है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष इसे लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। उसी के आलोक में हम और कलेक्टर साहब आज पूरे भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया है और सर्वे के दौरान सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहे, कहीं कोई व्यवधान न रहे, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ASI के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था मांग की गई है, आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था की और मांग की जाएगी, पूरी तरह से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भोजशाला के ASI सर्वे पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष के वकील अजय बागड़िया ने बताया कि मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से नोटिस ही नहीं मिला, साथ ही सर्वे करने की तारीख और समय तय करने को एक पक्षीय फैसला बताया। उन मामलों में हुआ है माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर से, जिन मामले में आमने सामने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष पार्टी थे और ASI ने सिर्फ अपनी खड़े होकर कंसेंट दी थी कि अगर माननीय न्यायालय का आदेश होता है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि सर्वेक्षण कराया जाए। ऐसी परिस्थिति में दोनों पक्ष जो कि आमने सामने हैं, जिनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ जो मुकदमा जबलपुर इंदौर में लड़ रहे हैं, ये आवश्यक हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि भोजशाला को लेकर असल में विवाद क्या है। इस भोजशाला को लेकर हिंदू पक्ष का अपना दावा है और मुस्लिम पक्ष का अपना दावा। हिंदू इसे माँ वाग्देवी का मंदिर मानते हैं और मुस्लिम कहते हैं कमाल मौला मस्जिद। वहीं हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं और सर्वे के बाद विवाद का निपटारे की उम्मीद है। धार में यह ऐतिहासिक भोजशाला स्थित है, राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था और इसी मंदिर में मां वाग्देवी की प्रतिमा को स्थापित भी किया गया था। तो ये सदियों पुराना जो विवाद है, दशकों पुराना जो विवाद है, वो लगातार अब तो मामला ही अदालत और सर्वे तक पहुंच चुका है। अभी भी भोजशाला जो है वो ASI के संरक्षण में है। मंगलवार को यहाँ हिंदू समुदाय के लोग पूजा करते हैं तो शुक्रवार को जुमे की नमाज की इजाजत दी गई है। आपको ये भी बताते हैं कि भोजशाला को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। तो 1909 में इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1935 में यहाँ नमाज की इजाजत दी गई थी। विवाद शुरू होता है 1995 से, हालांकि ये हालिया विवाद की हम बात कर रहे हैं। विवाद यहाँ पर दशकों और सदियों पुराना है। 1995 से विवाद शुरू हुआ। मंगलवार को हिंदू धर्म के लोगों को यहाँ पूजा करने की अनुमति मिली और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। 1997 में हुआ ये कि आम लोगों के आने पर यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया। 1998 में फिर प्रतिबंध लगाया गया। साल 2003 में यहाँ पर मिली पूजा करने की अनुमति। तो पेच इस वजह से भी कई बार खड़ा हो जाता था कि वसंत पंचमी को, अगर वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ जाए तब क्या हो। जब भी ऐसा पड़ा विवाद बढ़ा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि बच्चे अपनी माँ बाप के लिए आंखों का तारा होते हैं, वो अपने कलेजे के लाल को खुद से अलग नहीं कर सकते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के लिए जान तक दे देते हैं, लेकिन आज के दौर में अब बस ये शायद शब्दों की बात ही रह गई है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, दरअसल बड़वानी से एक ऐसा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शहर के एक घर की सीढ़ियों पर नवजात बच्ची मिली, उसके साथ में एक पर्ची भी थी। पर्ची में क्या लिखा था, मेरी बेटी को बड़ा कर लेना और उसे अनाथ आश्रम में मत देना। नवजात को तुरंत जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, पुलिस को बुलाया गया, फिलहाल जांच की जा रही है। कई बार ये देखा गया कि जन्म के बाद नवजात को लावारिस छोड़ दिया जाता है। सवाल ऐसा भी, और यही सवाल सबसे बड़ा है, मां की ममता पर कोई सवाल नहीं, कभी नहीं, सवाल यही सबसे बड़ा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह से छोड़कर जाना पड़ता है। अब बात एक अजब और गजब गांव की। ये वास्तव में अजब और गजब गांव है। इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बाप और बेटा एक ही गांव में रहते हैं लेकिन दोनों का पता अलग अलग है। इतना ही नहीं, गांव की गलियों का पता तक अलग अलग है। ये गलियां चार चार तहसीलों में बटी हुई हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस गांव के दो नहीं बल्कि चार पहलू हैं। सीमांकन के जाल में उलझा ये गांव विकास से भी कोसों दूर है।
मध्य प्रदेश का एक अनोखा गांव, घर और खेत का पता अलग अलग। लोग चुनते हैं दो सांसद, दो विधायक। चार तहसीलों में पड़ती है गांव की गलियां। अजब गजब है आमला गांव की कहानी। मध्य प्रदेश का आमला गांव अपने आप में अजब गजब है और यहां रहने वाले लोग भी इस अजब गजब के कारण अपनी किस्मत को कोसते नहीं थकते हैं। बाप और बेटा एक ही गांव में रहते हैं, बस सड़क का अंतर है, लेकिन ये सड़क उनका पूरा पता बदल देती है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है इस गांव की। साल 2013 में आगरमालवा जिला बनाया गया। इस जिले में आमला नाम का गांव है। गांव की सड़क को देखिए, कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि ये गांव की सीमा को बताने वाली सड़क है। ये सड़क बताती है गांव का कौन सा हिस्सा किस तहसील और पंचायत में आएगा। बच्चे रहते अलग तहसील में हैं और पढ़ने दूसरी तहसील में जाते हैं। कुछ मकान आगर तहसील में हैं तो कुछ सुसनेर तहसील में आते हैं, कुछ नलखेड़ा में तो कुछ बड़ो तहसील में। ये सिमलगढ़ी में आता है और ये आता आगर में और ये ज्यादा नलखेड़ा में। मतलब अपन जहाँ खड़े ये तीनों की बाउंड्री सीमा है। तीनों बाउंड्री है, चार ही की है। बड़ो लगे सुसनेर लगे, इधर नलखेड़ा, इधर आगर। ये गांव अजब और गजब होने के साथ अनूठा है, क्यों? चलिए आपको बताते हैं। 250 मकान और 1500 लोगों की आबादी, संभालने और संवारने का जिम्मा दो सांसदों पर, दो विधायक, चार तहसीलदार, दो सीईओ, चार थानों और दो ग्राम पंचायतों के पास है। यानी इस गांव के पास शासन और प्रशासन के लोग भर भर के हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज भी लोग परेशान हैं। विकास के मामले में तो बिल्कुल जीरो है आमला। रोड की दशा देख लो, पानी के लिए लोग इधर से उधर भटकते फिर रहे, पानी पीने का नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद हर मामले में विद्यालय देखो तो यहाँ पर स्कूल 12 बजे टीचर आ रहे हैं और 3 बजे बाबा चले जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये गांव दो पंचायतों में बटा हुआ है, एक हिस्सा ग्राम पंचायत आमला में है तो दूसरा हिस्सा सेमलखेड़ी पंचायत में आता है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, इस गांव के लोग दो सांसदों के लिए वोट करेंगे। कुछ लोग राजगढ़ सांसद का चुनाव करेंगे तो कुछ देवास सांसद के लिए वोट डालेंगे। एक मतदान केंद्र यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर है तो दूसरा 100 मीटर की दूरी पर है। छोटा सा गांव होने के बावजूद इसकी जो विशेषता है कि यहां पर जो यहां के जो बासिंदे हैं, अब आने वाली जो तारीख है, अब जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अलग अलग तारीखों में वोट करेंगे। यानी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस गली के इस पार रहने वाले वो सेमलखेड़ी मतलब यहाँ से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर यहाँ पर से मतदान करने जाएंगे, जबकि जो आमला जो देवास शाहजहाँपुर संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, जो मतदाता है, वो 7 तारीख को यहाँ पर वोट करेंगे। अगर मालवा से रंजीत सेठी, न्यूज 8। लोगों में गुस्सा है, वजह है विकास। चुनाव में वोट के लिए नेताजी आ जाते हैं लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं देते, ना नेताजी और ना ही उनका विकास, ना रोड और ना पीने के लिए पानी का इंतजाम। अब इसे किस्मत कहें या बदहाली, ये तो गांव के लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दृष्टि से गांव देखा जाए, जो दो विधानसभा दो लोकसभा लगती है, उस हिसाब से कोई विकास नहीं है। बहुत सारी बार तो स्थिति बनती है कि चौराहे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लाश पड़ी रहती है। सूचना पुलिस बोलती है नलखेड़ा वाले आएंगे, नलखेड़ा पुलिस बोलती है आगर वाले आएंगे, क्योंकि तीनों थाना की सीमा क्षेत्र हमला है, तीनों के बोर्ड लग रहे हैं। तो आगर वाले बोलते हैं सूचना फोन लगाओ, सूचना फोन नलखेड़ा फोन लगाओ, हो सकता है इतने में पेशेंट की जान चली जाए। आमला गांव के चार भागों में बटे होने की खासियत ही इसकी उपेक्षा का कारण बनी हुई है। इस गांव में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आप इसी से गांव के विकास का अंदाजा लगा लीजिए। न्यूज 18 के लिए आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। भारत माता की, काली माई की, काली माई की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आपको हम सब कार्यकर्ता आश्वस्त करते हैं। तो बस्तर में यहां पहुंचे थे सीएम साय। बढ़ते हैं आगे, बात अब एक ऐसी कार की जो अपने आप में खास है। और वो क्यों? दरअसल इस कार को दो युवकों ने पंख लगाने की कोशिश की है और यहां आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से ये कार इसके पीछे पंख लगाने की कोशिश, यानी कि इसे हेलीकॉप्टर विमान नुमा बनाने की कोशिश की गई है। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि दो भाई हैं,
बारात में दुल्हनों को लाने के लिए इस तरह की यूनिक चीजें चल रही हैं। और दोनों भाई इसी के जरिए कुछ पैसा भी कमाना चाहते थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों भाई अपनी दुल्हनों को इसमें लाना चाहते थे ताकि शादी को यादगार बनाया जा सके, लेकिन पुलिस ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया और कार को जब्त कर लिया। तो देसी जुगाड़, पुलिस को रास नहीं आया और कार को जब्त कर लिया गया। यूपी के अंबेडकर नगर की तस्वीरें। तो देसी जुगाड़, और देसी जुगाड़ के जरिए कार में बैठकर हेलीकॉप्टर का आनंद लेने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि आरटीओ के नियमों के तहत अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसकी जानकारी जरूर देनी होती है। तो कार को हेलीकॉप्टर बना रहे थे ये, पुलिस पहुंच गई और सपनों पर पानी फेर दिया गया। अम्बेडकर नगर, यूपी की तस्वीरें। तो ये कारनामा भले ही लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर रहा हो, लेकिन खाकी वालों को रास नहीं आया और वो पहुंच गए। खबर सीहोर से। सीहोर के रहटी तहसील के आदिवासी इलाके चकल्दी में भगोरिया मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में यहां नजर आए। इस मौके पर खूब डांस भी किया और भगोरिया मेले में आदिवासियों ने खरीदारी की, एक दूसरे को गुलाल लगाया। आदिवासियों ने बताया कि होली के एक हफ्ता पहले से ही भगोरिया मेले का आयोजन होता है। समाज के लोग उसमें शामिल होते हैं, जमकर खरीदारी करते हैं। तो मेले में हालांकि जीवन साथी चुनने की परंपरा भी है, और अगर आप भगोरिया को और करीब से देखेंगे आपको समझ आएगा न सिर्फ मात्र सत्तात्मक व्यवस्था में आदिवासी बिलीव करता है, बल्कि लिविन की परंपराओं से कहीं बहुत ऊपर। आदिवासी नवयुवक और युवतियां इसी मेले में अपने जीवन साथी को चुन सकती हैं और आपसी रजामंदी का तरीका भी इनमें निराला होता है। सबसे पहले लड़का लड़की को पान खाने के लिए देता है, अगर लड़की वो पान खाने के लिए ले लेती है तो रिश्ता कबूल समझा जाता है। इसके बाद युवती को लेकर भगोरिया हाट से वो युवक भाग जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। और सदियों से ये परंपरा इस तरह चली आ रही है और आदिवासी संस्कृति को बखूबी दिखाता है ये पर्व भगोरिया। एक और खास बात कि राइट टू रिजेक्शन लड़के के हाथ में नहीं होता है, राइट टू रिजेक्शन लड़की के हाथ में इस परंपरा के तहत होता है। वो चाहे तो रिजेक्शन कभी भी कर सकती है। तो इसी के साथ पांच की आंच में हमारे लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है।